इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे प्रश्न नंबर अठारह के प्रश्न नंबर अठारह को कैसे हल करेंगे यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जो है कि ज़रूर देखिएगा ताकि जो है कि टॉपिक आपको समझ में आ जाए तो उसी तरह से करेंगे जिस तरह से प्रश्न नंबर जो है कि सत्रह को किया गया है और शेष प्रश्नों को जैसे आप पढ़े हैं और अभी तक उसने नहीं पढ़ पाए हैं तो आप जो है प्ले में ज़रूर जाइएगा वहाँ पर सभी वीडियो आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे तो ये आपका समागलन होगा इसका समागलन हम लोग डायरेक्ट अब करेंगे हम लोग मानते नहीं चलेंगे ठीक है तो यहां से हम लोग देखेंगे कि ये जो है कि फार्मूला है एक ये आपका यहाँ पर, पर माइनस है यहां से हम लोग करेंगे क्या कि एक एक फार्मूला होता है आपका कि यदि साइन कास टू ए का फार्मूला होता है काश टू एक्स बराबर फार्मूला होता है काश स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यदि आपका काश टू ए हो काश टू एक्स हो तो इसका कोण जो है कि आधा होता है, यानि एक्स क्या होता है एक्स होता है और यदि इसी के अनुसार हम वो देखते हैं तो काश एक्स को यदिंग काश स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई क्या टू ये आपका काश एक्स का फार्मूला है काश टू ए पे यानी कि काश एक्स को जो है कि तोड़े हैं काश टू ए के रूप में तो कोण आपका आधा होता है अब यदि देखिएगा लेकिन इसमें हम लोग को चेंजिंग है आपका माइनस है ना कास का प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस दिया गया है तो यहाँ से माइनस से सभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा माइनस काश एक्स बराबर हो जाएगा इसका ये जो है साइन वाला प्लस हो जाएगा यानी कि आपका हो जाएगा अब साइन स्क्वायर एक्स बाई क्या टू माइनस काश स्क्वायर एक्स बाई टू यानी कि जो है इसका फार्मूला आपका हो जाएगा माइनस काश कितने का एक्स का तो यहाँ यह जो है कि फार्मूले के अनुसार हो जाएगा ज़ीरो और ये हो जाएगा पाई और ये आपका क्या हो जाएगा काश कितना रहा है काश कितने का एक्स का और डॉट क्या लगा देंगे dx तो यहां से हो यह आपका हो जाएगा cos एक्स का समाकलन ये आपका देखिए माइनस है ना तो माइनस को बाहर ले लीजिए माइनस cos एक्स का समाकलन आपका क्या होता है साइन एक्स होता है सीमा क्या दिया गया है पाई और क्या जीरो यहां से आ जाएंगे माइनस साइन पाई और माइनस साइन कितना डिग्री जीरो डिग्री ठीक है तो ये आपका हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए माई माइनस साइन पाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन जीरो डिग्री इतना हो गया अब यहाँ से वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे साइन साइन पाई का मतलब हुआ है एक सौ अस्सी डिग्री ना तो साइन एक सौ अस्सी डिग्री का मान आपका कितना होता है जीरो प्लस साइंस जीरो डिग्री का मान जीरो आपका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो ये रहा आपका क्या आंसर तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको जो है कि वीडियो अच्छा लगा होगा यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए क्योंकि मैं ऐसा ही लगातार वीडियो लेकर आता रहता हूँ चलिए हम मिलेंगे अब आपसे अगले क्वेश्चन में यानी प्रश्न नंबर उन्नीस में प्रश्न नंबर उन्नीस को जो है कि हम लोग कैसे हल करेंगे और जो है कि आप लोग पढ़ेंगे तो चलिए हम लोग को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर उन्नीस में क्वेश्चन नंबर उन्नीस को देखने के लिए हमारे प्ले लिस्ट में जरूर जाएँ वहाँ पर सभी वीडियो आपको इस तरह से मिलते रहेंगे